विधिवत तालीम की जब आप बात करते हैं मिथिलेश जी, तो मुंगेर के अलावा भी आप किसी गुरु से आपको सीखने का सौभाग्य मिला, या फिर उसके बाद आपका सीखने वाला पक्ष जो था वो रियाज में तब्दील हो गया और फिर आपका सफर शुरू हुआ? जी, एक्चुअली सीखने वाला पक्ष जो जो था, विधिवत जो हमने सीखा पंडित बुलबुल महाराज जी से, जो तबले की तालीम ली पहले पिताजी से, और उसके बाद जो उसका विधिवत, जिसको कहते हैं कि हमने तबले का शास्त्रीय पक्ष समझा, टेक्निकल पक्ष समझा, वो गुरुजी ने जब सिखाया, उसके बाद हम प्रोफेशनली बजाने लगे जब, तब हमको इस बात का एहसास हुआ कि प्रोफेशन में जाने के लिए और भी कुछ चीज होता है जिसके लिए हमको, तो यहाँ जब हम दिल्ली आ गए तो हमने उस्ताद अमजद अली खान साहब को अपना गुरु बनाया, और उस्ताद अमजद अली खान साहब ने ही हमको ये सिखाया कि प्रोफेशनल जैसे स्टेज पर कैसे जाना है, कैसे बैठना है, एंट्री कैसे लेना है। तबले में बोल तो हमको पता था, बजाना भी पता था, रियाज कितना साउंड होना चाहिए राइट में, कितना साउंड होना चाहिए लेफ्ट में, जब गाने के साथ बजाते हैं तब कैसे बजाना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के साथ कैसे बजाना, ये सब जो एक टेक्निकल तालीम है ये उस्ताद जी ने हमको दिया, और अभी तक वो चल ही रहा है, उनका बड़ा प्यार है। अभी वो अमेरिका में शिकागो में है, वहां से भी हमारी बात हो जाती है। ये बहुत सौभाग्य है आपका कि वो आपके गुरु हैं। हम लोग भी रागगिरी को भी सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद बीच बीच में मिलता रहता है। उस्ताद जी, अमजद अली खान साहब की बातचीत चल रही है और मुझे एक कार्यक्रम ऐसा अटेंड करने का सौभाग्य मिला था जिसमें उनका सरोद वादन था और संगत पे अकरम भाई भी थे और साथ में मिथिलेश जी भी थे। उस कार्यक्रम की एक झलक दिखाते हैं। बिहार से दिल्ली आना है, ये फैसला बहुत बड़ा फैसला था क्योंकि आसान नहीं होता, लेकिन मैंने सुना कि किसी स्नेही जन ने, किसी शुभचिंतक ने कहा कि हर जमीन हर चीज के लिए नहीं होती और बिहार की जमीन अभी कम से कम ऐसी नहीं है कि यहाँ पर रहकर आप तबला बजा लोगे और तबले की दुनिया में बड़ा नाम कर लोगे। तबले में कुछ करना है तो शहर छोड़ना पड़ेगा। क्या यही कहानी सही है और क्या था ये किस्सा, जरा बताइए हमें। हाँ, ये आपको एकदम सही बताया है। एक हमारे यहाँ पूर्णिया में एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो एलए में रहते थे और कभी कभी आते थे वो पूर्णिया में। उनका जो घर घर जो उन्होंने बताया था, उस घर का नाम भी डॉलर हाउस ही है अभी तक, उस चौक का भी नाम डॉलर हाउस। तो वो दूर से हमारे रिलेशन में आते हैं, और मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत हार्ट का प्रॉब्लम था, अच्छा, तो किसी ने कहा कि डॉक्टर मोहन राय आए हैं, आप उनसे मिल लीजिए। तो संगीत का भी शौक था उनको, हम मेरा प्रोग्राम वगैरह भी उन्होंने देखा था, तो उनको पता था कि हम नौकरी करते हैं नौगछिया में। तो हम अपनी वाइफ को लेके गए उनको दिखाने, तो करीब 1 घंटे हम लोग बैठे, साथ में बातचीत हुई। तो इसके बाद बोले, मिथिलेश जी आप तो, आपको हम सुने हैं तबला आपका, तो आप क्या करिएगा बिहार में? तो हम बोले हम नौकरी करते हैं। बोले नौकरी करते हैं वो तो ठीक है, आप ये बताइए कि ये तो सांस्कृतिक पक्ष है आपका, तबला जो है ये संस्कृति में आता है, तो बिहार की जो धरती है
अभी जो बिहार की हालत है उसमें संगीत, संस्कृति, कला, इसको पनपना बड़ा मुश्किल है। और जिस जिस जगह पर जो आप उपजाना चाहते हैं वैसी मिट्टी होनी चाहिए, तो बिहार की मिट्टी अभी कला संस्कृति के लिए उपजाऊ नहीं है, तो ये तो धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। तो आपको ऐसी जगह लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आपको निकलना चाहिए, आप इस ये जो माया जाल है इससे इसको तोड़िए और इससे निकलिए। तो कहाँ जाइए, ये हुई बात। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली है, बॉम्बे है, या विदेश में चले जाइए। तो फिर ये ऊहापोह मन में हुआ कि क्या किया जाए। मेरे गुरुजी ने बोला कि तुम दिल्ली चले जाओ, अमजद अली खान साहब से मिलो, वो बहुत सपोर्ट करते हैं नए लोगों को, तो उनसे मिलो और वो तुमको रास्ता दिखाएंगे। तो हम दिल्ली आए थे यही सोच के कि हम, हमारा पहला एक ध्येय है कि उस्ताद अमजद अली खान साहब से मिलना है। और वही गुरुजी ने बोला था, वही चीज मेरे अंदर चल रहा था कि मिलना हो गया उनसे, हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, पहले से भी थे, टेलीविजन में देखते थे उनको। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम इनको गुरु बनाते हैं, कि इनका लाइफ स्टाइल, इनका बात करना, इनका संगीत के प्रति नजरिया, इनका दुनियादारी के प्रति नजरिया, वो सब हमको इतना ज्यादा प्रभावित करता था। और भाग्यशाली हम इतने हुए कि हमको दिन में 8-8 घंटे उनके साथ बिताने का मौका मिलता था। तो हमने कहा कि हम इनको गुरु बनाते हैं। तो हमने पहल किया, पहले वो कुछ दिन तक बोले क्या कि तुम बजाते हो तबला और तुम खामखा इसमें मत पढ़ो, मन का रिश्ता रखो। बोले नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम चाहते हैं इसको एक। तो हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बोला कि हाँ तुम वहां चले जाओ। उसके बाद हमने गंडा बंधन करवाया उनसे, गंडा बंधन शिष्य हैं उनके, बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमको इतना प्यार मिलता है उनसे। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।